हेलो जी, हेलो हेलो हेलो। तो भाई लगभग 3-1 साल पहले हमने बनाया था पोहा है, और वो महाराष्ट्र स्टाइल पोहा था, और हमने आपसे माफ़ी भी मांगी थी। एक बार आप माफ़ी देख लीजिए भाई। इस रेसिपी के शुरू होते ही मैं तमाम इंदौरियों, भोपालियों और ग्वालियर वालों से माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि अब जो मैं बनाने वाला हूँ वो एक्चुअली इंदौर, भोपाल और ग्वालियर का बड़ा ज़बरदस्त होता है, उज्जैन का बहुत ज़बरदस्त होता है। लेकिन अब चूंकि मेरी शादी एक महाराष्ट्रीयन परिवार में हुई है, तो इसलिए मेरे को उसका महाराष्ट्रीयन वर्जन बनाना पड़ेगा। देखिए, आप समझ सकते हैं, तमाम शादीशुदा लोग घर पे सुख शांति सुलह समझौता चाहिए। तो पोहा बना रहा हूँ, हाँ, महाराष्ट्रीयन स्टाइल में बना रहा हूँ। लेकिन इंदौर वालों, उज्जैन वालों, ग्वालियर वालों, भोपाल वालों, आपका पोहा ज़बरदस्त होता है। याद आ गया? तो भी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर ब्रार, और इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर वालों, आपकी सेवा में रणवीर ब्रार फिर से हाजिर है। इस बार इंदौरी पोहा लेके। कोई गिला, शिकवा, नाराजगी? कॉलिंग एंड एक्शन। तो जी, इंदौरी पोहा बनाने के लिए आपको चाहिए पोहा, ठीक है? और पोहे का जो है वो कार्यक्रम कुछ यूं है कि जाड़ा पोहा लेना है, यानी कि मोटा वाला पोहा लेना है, बिल्कुल बारीक वाला पोहा नहीं लेना है। बिल्कुल बारीक वाला जो पोहा है वो फ्राई करके नमकीन बनाने के लिए यूज़ होता है, सोख करके खाने के लिए यूज़ नहीं होता। बेसिक रूल, पोहे को धोना भर है, सोक नहीं करना है। हाँ, सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि पोहे को सोख कर देते हैं, सोक नहीं करना है, धोने भर से हो जाएगा। ये देखिए, ये जो पानी का मैलापन है इसको निकाला और रेडी। हेलो जी, ये है जी ऑयल, देखिए कहने को स्टीम्ड है, लेकिन आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, इंदौरी पोहे में तेल बहुत ज्यादा, समझा? कड़ी पत्ता, अदरक डालना चाहे डाल सकते हैं, वैसे पड़ता नहीं है। ये है हमारा तड़का, राई, जीरा। इंदौरी पोहे में सौंफ मतलब जान है इंदौरी पोहे की, हरी मिर्च और कड़ी पत्ता। तड़का लगाएं, सब कुछ सामने रखें, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप तड़का लगा रहे हैं और फिर चीज़ें लेने के लिए भाग रहे हैं तो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, क्योंकि तड़के या छोंक का मज़ा जो है वो गरम तेल में ही है, और अगर तेल गरम होगा तो आपको समय नहीं देगा, क्योंकि अक्सर हम तेल गरम कर लेते हैं, फिर हम चीज़ें जुगाड़ने भागते हैं। जो पोहे का तड़का बनाते हैं ना, तो पोहे के तड़के के अंदर कुछ लोग नींबू का साथ डाल देते हैं, यानी कि सिट्रिक एसिड डाल देते हैं हल्की सी खटास के लिए। कुछ लोग दूध डाल देते हैं नरमी के लिए। दूध मैं भी डालूंगा, दूध का छींटा मारूंगा, उससे क्या होगा ना, सॉफ्ट रहेगा, नरम रहेगा लंबे समय तक। यहाँ पर सोक्ड पोहे में हम तड़का डाल लें, ये मेन इम्पॉर्टेंट और मेजर फर्क है। देखिए, बुरा मत मानेगा पर शक्कर में कंजूसी मत करिए, इंदौरी पोहे की जान ही उसकी खटास मिठास होती है। यहाँ पर नमक और शक्कर का बैलेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने नमक कम डाला तो बाद में नमक कम ही रह जाएगा। और इसमें कोई शर्म नहीं है, अगर पहली बार बना रहे हैं तो हल्का सा निकाल के टेस्ट कर लें। बराबर है, फॉर्मूला समझ गए ना? मतलब कोई चीज़ जब बल्क में बनती है और बहुत सारे लोगों के लिए बनती है और बहुत समय तक रखनी होती है, तब उसमें कैसे एडजस्टमेंट किया जाता है, ये इंदौरी पोहे ने आपको बता दिया। अगर महाराष्ट्र के घर में बन रहा होता तो सब कुछ कढ़ाई में डाल के ढक्कन लगा दिया जाता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो है 7 बजे
नाश्ते के लिए पोहा जलेबी की दुकान खुलेगी और 10 बजे तक चलेगी। उसके बाद कुछ नहीं करना है, पानी डालना है एक कढ़ाई में, भगोने में। पानी के ऊपर जो है अगर थोड़ी सी डूबती भी है कढ़ाई के अंदर तो थाली डाल दें, नहीं तो ऊपर से ऐसे थाली डाल दें। अब इतनी गर्मी में मामला रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा दूध का छींटा, ये दूध जो है कच्चा दूध नहीं है, उबला हुआ दूध है, कच्चा दूध मत डालें, बट हल्का सा दूध का छींटा ताकि पोहे में नरमी रहे, हल्का सा बस। दूध में फैट होता है ना, तो पोहा चिपकेगा नहीं लेकिन नरम रहेगा। नीचे वाला पोहा पहले गर्म होगा और पहले यूज होगा, इसलिए माउंटेन बनाना जरूरी है ताकि गर्मी जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ लॉक हो जाए। ये हमारा बेबी ठेला लग गया, पोहे का बेबी ठेला। वैसे तो जलेबी भी बनाते हम, लेकिन क्या है ना रेसिपी वैसे बड़ी लंबी हो जाती है और आप सब लोग बोलते हैं कि रणवीर आपकी रेसिपी तो 15 मिनट के नीचे उतरती नहीं है कोई, तो इसलिए हमने जलेबी बनाने का प्रोग्राम जो है वो कैंसिल कर दिया। जलेबी हम सिर्फ खाएंगे और आपको चिढ़ाएंगे। उससे पहले, सबसे पहले कुछ भी करने से पहले एक मसाला बनाना है जिसे कहते हैं जीरावन। तो भाई जीरावन मसाले की खूबी ये है कि आप इसको पापड़ के ऊपर डालिए, चपाती के ऊपर डालिए, पोहे के ऊपर डालिए, सलाद के ऊपर डालिए, किसी भी चीज़ के ऊपर डालिए, स्वाद ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बेसिकली जीरावन जो है वो पाचन का मसाला ज़्यादा है, मतलब डाइजेशन का मसाला ज़्यादा है, इसलिए पापड़ के ऊपर डालते हैं, उन चीज़ों के ऊपर डालते हैं जहाँ पर पाचन की ज़रूरत होती है। नाश्ते में आप पोहा खाते हैं उसके ऊपर जीरावन डालते हैं ताकि पाचन जो है, डाइजेशन जो है वो स्ट्रांग हो। तो फंडामेंटल वही है, और जहाँ पर भी पाचन की बात होगी वहाँ पर काला नमक, हींग, जीरा और सौंफ 100% आएगी। आजकल जो है अंग्रेजों के ज़माने में हम सीजनिंग की बात करते हैं ना, सीजनिंग की, सीजनिंग स्पाइसेस या स्प्रिंकलर स्पाइसेस, ये है इंडिया का ओरिजिनल स्प्रिंकलर स्पाइस। मेरे लिए लाल मिर्च का पर्पस जो है वो तीखेपन से ज़्यादा रंग और खुशबू होता है, तो इसलिए मैं जहाँ भी यूज़ करता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि मैं देगी यूज़ करूँ या फिर बेड़गी यूज़ करूँ, चाहे साबुत हो चाहे पाउडर में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हरी मिर्च भी आप डालेंगे तीखापन उससे भी आएगा, तो लाल मिर्च ज़्यादा तीखी होनी मेरे लिए ज़रूरी नहीं। अगर आपके पास साबुत लाल मिर्च नहीं है तो आप लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। खुशबू के मसाले कम हैं तो जो खुशबू के मसाले हैं वो डाल लीजिए, ऐसा नहीं है कि यही वाले डाल लें। अगर बड़ी इलायची है तो वो डाल लीजिए, नटमेग नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ जावित्री से हो जाएगा। बेसिकली पाचन के मसाले, खुशबू के मसाले और उसके बाद काले नमक और जिंजर की वो जो किक होती है वो भूनना है ताकि हल्दी का हल्का सा कच्चापन निकल जाए, लेकिन पैन की गर्मी ही बहुत है उसको निकालने के लिए। ओवर रोस्ट नहीं करना है स्पाइसेस को, हल्दी के पकने का वेट करना है और हींग हल्की सी टोस्टी हो जाए बस। तो ये जीरावण जो है अब पीस दीजिए, फाइन पाउडर। हाँ, कायदे से ये रणवीर बाजार को पहले कर लेना चाहिए था कि पहले मूंगफली तल लेते, बाद में उसी तेल में तड़का मारते, तो क्या है वो मूंगफली की खुशबू भी तेल में आ जाती है तो उससे और जायका बढ़ता है, प्लस तेल वेस्ट नहीं होता। लेकिन जब गलती हो जाए मान लो और आगे बढ़ो, तो हमने मान ली।
मामला डन। अभी गार्निश के लिए क्या है? गार्निश के लिए मूंगफली, रतलामी सेव, ठीक है, चरखी बूंदी यानी कि स्पाइसी वाली बूंदी, और धनिया और नींबू, ये तो मस्त है। और मूंगफली भूल गया मैं, ओह मसाला हो गया। थैंक यू वेरी मच। ये देखिए मसाला फर्स्ट क्लास है। अब आम तौर पे अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो आप पोहा बनाएंगे घर पे, लेकिन अगर आप इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर में हैं तो आप पोहा खाएंगे गलियों में, राइट? पोहा स्ट्रीट फूड है। तो क्योंकि पोहा जो है वो जब घर पे बनता है तो हम उसको तड़का लगा देते हैं, पैन के अंदर ही ढकते हैं और खा लेते हैं, तभी के तभी कंज्यूम हो जाता है। जब स्ट्रीट फूड की तरह बनता है तो लार्ज क्वांटिटीज़ में बनता है और उसको लंबे समय तक फ्रेश रखना पड़ता है। इसलिए इंदौर ने जुगाड़ ढूंढा पोहे का, कि पोहे को भाप में रखा। भाप में जो है वो पोहा लंबे समय तक होल्ड भी करता है और एक दूसरे के साथ चिपकता भी नहीं है। तो जिस तरह महाराष्ट्र के कांदे पोहे जो हैं वो कढ़ाई में बनते हैं या हांडी में बनते हैं, ये हांडी में नहीं बनते हैं। यहाँ तड़का जो है वो ऐसे ही सोख किए हुए पोहे में मिक्स हो जाता है ताकि लंबे समय तक हम उसको रिटेन कर सकें। बाकी पोहे जो है वो मध्य प्रदेश में पॉपुलर इतने क्यों हैं, वो ये है कि मध्य प्रदेश के ज़्यादातर रीजन्स कह लीजिए या सिटीज़ कह लीजिए, ग्वालियर और इंदौर एक तरफ सिंधियास थे ग्वालियर में और एक तरफ होलकर्स थे इंदौर में, जो कि महाराष्ट्र से थे। ये कहा जाता है कि महाराष्ट्रियन कांदे पोहे का कल्चर इंदौर में वहाँ से आया, लेकिन आज़ादी के बाद जब इंदौर का स्ट्रीट फूड फेमस होना शुरू हुआ तब ये पोहा एक्चुअली जलेबी के कॉम्बिनेशन के साथ नाश्ते में पूरे इंदौर को और फिर पूरे भारत को मनमोहित कर गया। दुकानों में क्या करते हैं? मूंगफली, सेव वन, ये चरखी बूंदी और सेव टू, ये मिक्स करके रख लेते हैं। आप चाहे तो मिक्स कर लें, आप चाहे तो ऐसे अलग अलग डाल लें। अब हुई ना ये बात इंदौर वाली, मतलब जलेबी प्लस पोहा प्लस कमाल। क्या था ना, पहले जलेबी खट्टी होती थी खमीरने की वजह से, तो पोहे का जो खट्टा मीठा तीखा है ना उसको बैलेंस कर देती थी अच्छे से। तो हर चीज की एक साइंस है, उसके साथ स्वाद भी मिल जाए क्या बुरा है। तो इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन वालों, रतलाम वालों और इंदौरी पोहे के फैन वालों, सब्सक्राइब करो और करवा लो। बाकी गॉड इज़ गुड।